चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो सीहोर से आ रही है। ऑपरेशन मुस्कान के दौरान सामने आया एक अजीब मामला। 10 साल पहले एक 17 साल की बच्ची की मौत हुई थी। पिता ने मौत के दूसरे दिन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 10 साल बाद ऑपरेशन मुस्कान का अभियान चला, फाइल खोली गई। परिजन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी मौत हो गई है। ऑपरेशन मुस्कान के दौरान एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें 10 साल पहले 17 साल की बच्ची की मौत हुई है। 10 साल पहले पिता ने मौत के दूसरे दिन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब मुस्कान अभियान के तहत इस केस की फाइल खुली जिसमें पूछताछ में पता चला, पिता ने बयान दिया कि बच्ची की मौत हो चुकी है जबकि पिता के द्वारा गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। चलिए इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान जी जुड़ चुके हैं। रिजवान, ऑपरेशन मुस्कान के दौरान यह अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें 10 साल पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और अब पता चला है कि उस बच्ची की मौत हो चुकी है, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल ऋतु, बताना चाहूंगा सीहोर जिले के मंडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर एक 10 साल पहले एक जो 2011 में बच्ची की मौत हो चुकी है। 17 साल बच्ची की उम्र बताई जा रही है। साफ तौर से पिता ने बच्ची की मौत के दूसरे दिन जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और ये बताया गया बच्ची पहले भी एक दो बार घर से जा चुकी है, आज गई तो रात भर से घर लौटी नहीं है। साफ तौर से जब ऑपरेशन मुस्कान का अभियान चला उसके बाद जो है फाइल बच्ची की ऊपर आई, थाना बिरबारी ने परिवार वालों से बुलाकर पूछताछ करी तो पहले परिवार वालों ने आने से साफ इनकार कर दिया। जब पुलिस की सख्ती हुई तो परिवार वालों से पूछताछ करी, उसके बाद उन्होंने बताया बच्ची की जो है जहर खाने से मौत हो चुकी है। अपनी माँ से, जो सौतेली माँ थे, उससे प्रताड़ित होकर उसने खाकर आत्महत्या कर ली है। आसपास लोगों से पूछताछ करी पुलिस ने, साफ तौर से पुलिस ने कहा था कि शमीम नाम का एक व्यक्ति है और उसका जीजा, उसके जो है लड़की के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। इस बात का जो पिता को पता चला उसके बाद जो है उसको मौत के घाट उतार दिया। पूरी साफ तौर से बच्ची की कब्र खोदी है और डीएनए टेस्ट के लिए उसकी हड्डियां निकाली है और दूसरे एंगल से जांच कर रही है। जी रिजवान, 3 से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी रिजवान, चूंकि पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, अब इसमें खुलासा हुआ है कि बच्ची की मौत हो चुकी है, परिवार वालों ने, पिता ने बयान दिया है, अब पुलिस की आगे कार्रवाई के क्या कदम है? साफ तौर से पुलिस हर तरीके से कार्रवाई कर रही है, जैसे दर्शाएंगे वैसे पुलिस उन लोगों पर मामला दर्ज करेगी। और पुलिस का यह भी कहना है कि सभी लोगों को हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। जी रिजवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले को पूरी तरह से समझाने के लिए। सीहोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन मुस्कान के दौरान यह अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें 10 साल पहले एक 17 साल की बच्ची की मौत हुई थी। पिता ने मौत के दूसरे दिन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी पिता के द्वारा। अब ऑपरेशन मुस्कान के तहत 10 साल बाद फाइल खोली गई, परिजनों से पुलिस ने पूछताछ की जिसमें खुलासा हुआ, बच्ची के पिता ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस का इस पर कहना है कि बच्ची के साथ उसके पिता के दोस्त और जीजा ने दुष्कर्म किया। परिवार वालों ने बताया कि बच्ची ने जहर खाया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।